हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जावा या येज़्डी का क्लच सेंटर हब निकाला जाए। प्रॉपर टूल के बिना इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीच में जो नट है वो क्लच सेंटर हब के साथ घूमता रहता है। तो इसके लिए आपको ऐसे वाला एक क्लच लॉकिंग प्लेट चाहिए होगा, उसके बिना निकालना मुश्किल है। लेकिन ये प्लेट आपको कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए हम लोग एक जुगाड़ करते हैं। आइए बताते हैं कैसे वो किया जाएगा। ये जो देख रहे हैं ये एक एल्युमिनियम कॉम्पोजिट पैनल है, वही वाला पैनल जो कि एटीएम और घर का एलिवेशन, ऑफिस एलिवेशंस में जो यूज़ होता है वही है। ये जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ ये तो बस 4 mm का पैनल है, तो इसको स्ट्रेंथ देने के लिए मैं दो पैनल्स को जॉइंट करके 8 mm बनाऊँगा, ताकि थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा बने। इन दोनों पैनल को मैं फेविकॉल से चिपका दिया और पूरा स्ट्रेंथ आ गया है इसमें। इसको मैं टूल के हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ अभी। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये होल्स जो है क्लच बल के हिसाब से एग्जैक्टली बने, ताकि वो एग्जैक्टली उस पर फिट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपको बस यही पैनल यूज़ करना है, आप चाहे तो प्लाईवुड या और कोई ऐसे मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये स्पॉकेट जो है इसको यहाँ लगाना है, और उसके ऊपर आपने जो ये टूल बनाया है उसको ध्यान से इसके ऊपर लगा देना है। अभी इसको होल्ड करने के लिए आपको लेवरेज मिल जाएगा, जिसको पकड़ के आप आसान से ये जो बीच वाला नट है निकाल सकते हैं। आपको बस 2-3 स्ट्रोक्स देना है और थोड़ा जोर लगाना है, ये आसान से खुल जाएगा। बस ऐसे ही आप कोई टूल के बिना बहुत सस्ते में और इजीली एक खुद का टूल बना के ये क्लच बेल सेंटर जो है आसान से निकाल सकते हैं। Good luck with your projects. Take care. Bye-bye.